क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड पढ़ लिए। सॉलिड को क्लासिफाई कर रहे थे, क्राइटेरिया अलग अलग किस किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला पढ़ लिए थे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसके पार्टिकल एक 3D स्पेस में किस तरह से अरेंज थे। अगर रेगुलर पैटर्न पे अरेंज थे तो क्रिस्टल बना दे रहा था, इरेगुलर पे अरेंज थे तो एमोर्फस। इसी तरह क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में दूसरी चीज पढ़ रही है ऑन द बेस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये देखिए प्लास्टिक उतनी हार्ड नहीं है, ये वुड है, वुड और हार्ड है, स्पंज है ये भी सॉलिड है, ये हार्ड नहीं है, ठीक है। चौक है, चौक भी हार्ड नहीं। अब देखो देखते हैं कैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बेसिस पर सॉलिड को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कौन कौन सी क्राइटेरिया में सॉलिड क्लासिफाई हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, फर्स्ट पार्ट डील कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट डील करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जब हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं मतलब हम उसके एटॉमिक लेवल की बात कर रहे हैं। कोई भी सॉलिड या मैटर, ये सॉलिड है, ये कुछ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, सॉलिड के पार्टिकल उससे क्लोजली पैक होते हैं, बहुत कम इंटर एटॉमिक स्पेसेस होते हैं, इंटर न्यूक्लियर या इंटर स्पेशियल इंटरस्टीलियर स्पेसेस के अंदर बहुत कम होते हैं, मान लो इस तरह से अटैच। अब हमें ध्यान इस बात का देना है कि अटैच है वो तो ठीक, लेकिन अगर एक पार्टिकल ये है इधर वाला, एक पार्टिकल ये इसके ठीक बगल वाला, क्या ये दोनों आपस में कुछ इंटरेक्शन रखते हैं, या तो वो दोनों आपस में रिपेल कर सकते हैं तो दूर दूर चला जाएगा सॉलिड स्ट्रक्चर और खराब हो जाएगा, या तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनेगी, या तो बॉन्डिंग कर ही नहीं रहे हैं, दोनों में कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं, न्यूट्रल है पूरे के पूरे। तीन ही केस हो सकता है, या तो अट्रैक्ट कर सकता है, या तो रिपेल कर सकता है, या तो अपने पोजीशन पे एज इट इज रख सकता है, तो उसे न्यूट्रल कंडीशन कहते हैं, ठीक है। यही हमें देखना है, अगर हमें ये पता चल जाए कि जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनमें इन तीनों में क्या हो रहा है, या तो न्यूट्रल कंडीशन है, या तो अट्रैक्शन हो सकता है, या तो रिपल्शन हो सकता है, इन तीनों में से अब हमें देखना कि क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे हम सॉलिड को क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सॉलिड ज्यादा हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे बना है। तो बात करते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते कैसे कैसे हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को अगर देखोगे तो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये फोर्स अगर दोनों पार्टिकल्स आपस में रिलेशनशिप रखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी भी सॉलिड का, या तो वो एक एटम हो सकता है सिंगल एटम, या तो एक मॉलिक्यूल हो सकता है, या तो पूरा पूरा कंपाउंड भी हो सकता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बने हैं तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एटम्स के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के भी और कंपाउंड्स के भी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को अगर देखो तो दो तरह से आ सकता है, एक को बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, या तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स हो सकता है, या तो बहुत वीक फोर्स हो सकता है। जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं उनको देखो कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का मानिए जब दोनों तरफ से अट्रैक्शन हो, आपस में दोनों जब एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो जो इतने भी आयनिक बॉन्ड बनते हैं, प्लस और माइनस चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, इसीलिए आयनिक बॉन्ड आयनिक सॉलिड को बोलते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। दूसरा देखो,
दूसरा हम पढ़ रहे थे डाइपोल डाइपोल इंडक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जब होता है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाता है। इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन कर, जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनेगा इनके बीच का इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग में चले जाएंगे। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बीच की बात करें तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आपस में कुछ इंटरेक्शन रखते ही नहीं है, ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में चार्ज सेपरेशन नहीं है, बॉन्डिंग वीक होगी तो सॉलिड का स्ट्रक्चर भी वीक होगा, इसका मतलब उसके अंदर बॉन्डिंग वीक है, इसका मतलब उसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक लग रहा है। इसकी कैटेगरी आती है एक तो आती है वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस, दूसरा आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक फोर्स होता है कि बॉन्ड नहीं बनाता, कल बताए थे ना बॉन्ड नहीं बनाता बल्कि एक इमेजिनरी बॉन्ड होती है। इसी वैन डर वाल फोर्स में, इसी वैन डर वाल फोर्स का ये पार्ट है लैग्रैन्ज डिस्पर्सन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स हम इसे बोलते हैं, या डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरैक्शन, किसी दूसरे डाइपोल के कारण किसी दूसरे चार्ज के कारण, इसी में देखो आता है ये जो वीक है इसी में आता है डाइपोल इंड्यूस्ड, वेंडर वाल फोर्स में ही आते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड और लंडन डिस्पर्सन फोर्स। अब अगर एक एक करके समझें कि इनके स्ट्रक्चर होते कैसे हैं, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बनाएगा तो ये सॉलिड जो बनेगा ये आयनिक सॉलिड बनेगा, अगर ये आयनिक सॉलिड है एक कॉन्स्टिट्यूएंट इसका कैटायन होगा, दूसरा एनायन, फिर कैटायन, फिर एनायन, फिर इसी तरह से चलते चला जाए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आयनिक सॉलिड की बात। ठीक है, तो एक हमें कैटेगरी मिल गई कि हम सॉलिड को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिक पे एक क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगरी में से बोल सकते हैं आयनिक सॉलिड। ध्यान से देखें कि वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस लगते हैं किसमें, तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं क्योंकि नेट चार्ज इन मॉलिक्यूल बेसिकली जीरो होता है। अब जब ये मॉलिक्यूल्स में लगते हैं तो इनमें दो कैटेगरी हमें बाकी नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इनकी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पहले देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर वाटर का देख लें, HF का देख लें, NH3 का देख लें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन है FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन एलिमेंट जब भी किसी हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया उसमें अगर ये तीनों एलिमेंट हैं, तीनों में से कोई एक और एक हाइड्रोजन का भी एलिमेंट है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएंगे। ठीक है, इसके लिए कंडीशन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए कि जो ये हैं एट ये जो एलिमेंट्स हम लेते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए और इनका साइज भी छोटा होना चाहिए। क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है लेकिन क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा है, इसकी जो क्राइटेरिया होती है उसमें होता है कि साइज छोटा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की सफिशियंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लायक, लेकिन उनका साइज सफिशियंट नहीं है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता। अगर वाटर के केस में देखा जाए H2O का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, H2O, फिर अगर यहां पर H2O है होता क्या है, जब इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, सारा इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अपने तरफ खींच लेता है, तो इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा होंगे ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को मैग्नेट की तरह खींचता है, ऑक्सीजन से मतलब मैग्नेट है, ये बॉन्ड बना इसका मतलब दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ज्यादा होता है वहां पे नेगेटिव चार्ज आते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज।
इलेक्ट्रॉन उधर है तो सारे प्रोटॉन इधर होंगे, तो इसके लिए इसको पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से सारे मॉलिक्यूल्स में होता है, यहां पे फिर पॉजिटिव, यहां पे फिर नेगेटिव, यहां पे फिर पॉजिटिव, यहां पे फिर नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तरह से चल रहा होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू अट्रैक्ट होगा। ट्रू बॉन्ड तो नहीं बनेगा लेकिन इसके बीच में एक इंटरेक्शन का फोर्स जरूर रहेगा। इसी तरह से अगर इस स्ट्रक्चर को और बनाना चाहे तो यहां भी एक वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, फिर ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इससे इंटरेक्ट करेगा, फिर ये ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन इस वाले से, जितने हम लाइन से बॉन्ड बना रहे हैं ये ट्रू बॉन्ड है, ये सारे बॉन्ड ट्रू बॉन्ड है और डॉटेड लाइन वाले हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो ट्रू बॉन्ड नहीं है लेकिन उनके बीच का इंटरेक्शन है। अब अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ट्रू बॉन्ड बना नहीं रही है तो इसका मतलब ये वीक बॉन्ड हो गया है ना, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन तो दे रही है ठीक है, लेकिन ये डॉटेड लाइन वाले हैं यही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये वीक बॉन्ड है, ये ट्रू बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इनको वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में क्लासिफाई किया है। हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो कंडीशन अगली क्या आ सकती है, HCl मॉलिक्यूल देखा है, HCl मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए HCl मॉलिक्यूल में Cl बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, बहुत ज्यादा नहीं बहुत लेकिन इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है। अगर हाइड्रोजन और Cl के बीच में बॉन्ड बनेगा तो सारा इलेक्ट्रॉन जो होगा अधिकतर क्लोरीन ले जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव अपने आप पहले से इस मॉलिक्यूल के अंदर आ जाए। अगर इस HCl के ही हम सॉलिड बना रहे हैं, अगर कोई सॉलिड बनाते हैं जहां पे HCl होता है केवल और केवल, तो वहां क्या होगा, इस केस में देखो यहां पे H होगा, ये Cl इस तरह से चलता चला जाएगा यहां, देखो पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, फिर ये देखो ये पार्शियल पॉजिटिव क्योंकि हाइड्रोजन है क्लोरीन है तो पार्शियल नेगेटिव, ये देखो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल, इसी तरह से करते हुए चलते हैं, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। ये वाला नेगेटिव जो है देखो इसके बगल में पास में पॉजिटिव है, इसको ये इंटरैक्ट करेगा, क्या करेगा, प्लस माइनस के बीच में इंटरेक्शन होगा कि अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो यही देखो ये डाइपोल डाइपोल इसलिए कहा जा रहा है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में चार्ज सेपरेशन होता है एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज तो उसी को तो डाइपोल बोलते हैं, डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये एक एक पार्ट है, जिस तरीके से यहां कैटायन और एनायन एक-एक एटॉमिक एटम को कंसीडर करते हैं उस तरह पूरा HCl को एक कंसीडर करके इसलिए बोला था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो या तो एटम्स हो सकते हैं, ये जो हैं छोटे-छोटे जो हमने स्फीयर्स बनाए हुए हैं कि या तो एटम्स भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जिनके रिपीटेशन से बना, या तो पूरा कंपाउंड हो सकता है, देखो HCl तो पूरा अपना कंपाउंड हो गया, क्या हो गया HCl भी पूरा कंपाउंड है, पूरा HCl मॉलिक्यूल बोलते हैं गैसीय मॉलिक्यूल से, देखो इस तरीके से इसका ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है इस वाले पॉजिटिव चार्ज के इंटरेक्शन में रहेगा, चार्ज का सेपरेशन है, फिर देखो इसका ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इस वाले नेगेटिव चार्ज के इंटरेक्शन में रहेगा, ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट दोनों तरफ से इसकी बॉन्डिंग मजबूत रहेगी, इसलिए स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डाला गया और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोला। ये रहा पहला डाइपोल, ये रहा दूसरा डाइपोल, दोनों डाइपोल आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं इसलिए बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये इस तरह से एग्जांपल्स आ सकते हैं, आयनिक बॉन्ड में कुछ भी ले लो, HCl ले लो, HCl ले लो, जो भी आयनिक बॉन्ड सॉल्ट में NaCl ले लो, CaCl ले लो या कुछ भी KCl ले लो, ठीक है। ये होता है आयनिक बॉन्ड के
ये कहानी है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। ये जो सॉलिड बनेगा इसके अंदर देखो चार्ज सेपरेशन है, कैसा है? अगर इसके अंदर चार्ज सेपरेशन है ये तो आयनिक सॉलिड हो गया। इस सॉलिड का नाम क्या है? जहां भी चार्ज आता है वहां शब्द हम इस्तेमाल करते हैं पोलर का। क्या? ये हो गया पोलर सॉलिड। बने किससे मिलकर? मॉलिक्यूल से मिलकर बने। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल है, जिसका एग्जांपल है पोलर सॉलिड। ये देखो ये अगर सॉलिड बनाया जिसे हम आइस बोलते हैं, ये आइस का स्ट्रक्चर है। अगर इस आइस की स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये कैसा सॉलिड है? ये हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड बन गया। ये सॉलिड बना तो इसका नाम होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ध्यान से देखो इस रीजन को, ये जो बीच का रीजन है ये देखो ये गैप है, यहां ये केज लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसी के कारण जो आइस है वो वाटर पे तैर जाती है। आइस है तो सॉलिड, हम जानते हैं कि यार सॉलिड की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, लिक्विड से ज्यादा होती है, तो सॉलिड तैर कैसा रहा है? जब भी किसी चीज को हम किसी चीज में डुबाना चाहते हैं तो जिस लिक्विड में जिस हम एनवायरनमेंट में उसको डुबा रहे हैं उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए इस सब्सटेंस की। मान लो ये एयर है, एयर में हम इसको डुबाना चाहते हैं तो इस सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए इस सराउंडिंग से, तभी हम इसको डुबा पाएंगे। बस तो यार हार्ड लगता है देखने में, डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए सॉलिड है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से भी कम होती है, तो उसके डेंसिटी डिक्रीज होने का कारण क्या है? बाहर से देख के तो हम बता नहीं पा रहे हैं, बाहर से देखने में तो हमें बर्फ ही सॉलिड लग रहा है। अंदर से देखेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप बढ़ चुका है। गैप बढ़ने से क्या हुआ कि इसका वॉल्यूम बढ़ गया। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी डी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसके लिए स्पेस बढ़ने से इसका वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा तो इसकी डेंसिटी घट गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास उतना ही है, अगर वाटर का मास उतना ही, एक लीटर वाटर ले लो, एक लीटर वाटर का बर्फ जमा लो, मास कॉन्स्टेंट रखो तो डेंसिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, लेकिन आइस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसीलिए देखा होगा अगर बोतल में, अगर पूरी बोतल ले लो, पूरी बोतल में अगर बर्फ जमाओ अगर इस पूरी बोतल में हम बर्फ जमाना चाहते हैं, इस बोतल में तुम अगर इतना ही पानी भर दोगे ना, सुबह उठ के देखोगे तो बर्फ पूरी यहां तक मिलेगी। इसका वॉल्यूम बढ़ता है अंदर जाने पर, मास उतना ही था वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी कम हो जाती। गौर किया इस चीज को? आज जाके देखना फ्रीजर में जाके बोतल रखना, बोतल को पूरा मत भरना, थोड़ा सा स्पेस इतना खाली छोड़ देना, अगले सुबह उठोगे तो देखोगे बर्फ पूरी यहां तक पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जैसे ही ये लिक्विड था, लिक्विड से सॉलिड गया तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो बीच में बहुत ज्यादा स्पेस आने लगा है। इसी को बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है वाटर मॉलिक्यूल। इसी के कारण वाटर के जो वाटर का जो सॉलिड पार्ट है जिसको हम लोग आइस बोलते हैं, आइस के स्ट्रक्चर में बहुत केज होता है, केज के रिसोर्स के अंदर जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी उसकी घट जाती है, इसीलिए जो आइस है वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है, ये उसका रीजन है। तो ये ऐसा अगर कोई सॉलिड बनेगा उसे कैसे क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। अब बात आती है वैन डेर वाल फोर्सेस में, एक है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या डाइपोल इंड्यूस इंटरेक्शन, यही है दोनों। वैन डेर वाल फोर्सेस बहुत वीक फोर्सेस होता है जो गैसेस में लगता है। अब देखो ध्यान से, हमने पढ़ लिया है आयनिक सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड, पोलर सॉलिड। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, हम पढ़ेंगे नॉन पोलर सॉलिड। नॉन पोलर सॉलिड कहने का मतलब इनके बीच में पहले से कोई इंटरेक्शन है नहीं, जो चार्ज सेपरेशन की बात करते हैं इनके बीच में है ही नहीं। अगर हम हाइड्रोजन गैस के सॉलिड बनाना चाहें H2 गैस का, और इसके सॉलिड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक H2 का मॉलिक्यूल एक सॉलिड बना रहा है,
अब ये जब दोनों एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो चार्ज सेपरेशन तो होगा नहीं। अगर उसके जितने सॉलिड बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन पोलर सॉलिड। लैंडन डिस्पर्शन प्रोसेस में देखो होता क्या है। सपोज करो जैसे ये HCl का ये एक मॉलिक्यूल है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल है, HCl ही ले लो या कुछ और, मान लो क्लोरीन ले लेते हैं, इसी हाइड्रोजन के पास में अगर क्लोरीन लेकर जाते हैं क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है। क्लोरीन इसका सारा इलेक्ट्रॉन एक तरफ खींच लेगा, क्लोरीन जैसे इसका इलेक्ट्रॉन एक तरफ खींचेगा इसके सारे प्रोटॉन उधर की तरफ चले जाएंगे, तो होगा क्या कि अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और ये हमारा बेसिक है नॉन पोलर कंपाउंड है, तो इस नॉन पोलर कंपाउंड में अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तो सारे इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा और सारे प्रोटॉन इधर आ जाएंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। कि पहले से मॉलिक्यूल के अंदर था नहीं, किसी के इन्फ्लुएंस से आया है, जब इस क्लोरीन एटम को इसके पास लाए तब ही आया है, चार्ज सेपरेशन बढ़ा है। इसीलिए बोलते हैं डाइपोल बन तो गया, ये प्लस और माइनस चार्ज का कॉम्बिनेशन बना तो, लेकिन इंड्यूस होने के बाद बना, इसके इन्फ्लुएंस से इंड्यूस होकर बना हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस इंटरेक्शन। खैर अभी किसी के इन्फ्लुएंस से होकर बना हुआ है, परमानेंट तो है नहीं, तो अगर वो क्लोरीन एटम हटा तो ये डाइपोल खत्म, तो ये डाइपोल थोड़े समय के लिए होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस इंटरेक्शन, जो कि वीक फोर्सेस के अंदर आ जाता है। परमानेंट होता तो स्ट्रॉन्ग के अंदर डाल देते डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वीक की वजह से बना, इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस इंटरेक्शन। और लैंडन डिस्पर्शन फोर्स में यही होता है, चार्ज डिस्पर्स हो जाए, चार्ज क्या हो जाए, किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस से चार्ज डिस्पर्स हो जा रहा है, तो लैंडन डिस्पर्शन फोर्स। इतना अगर इलेक्ट्रो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में डिस्कस करें तो अब हम बहुत काइंडली बता सकते हैं कि हमारे पास सॉलिड की जो स्ट्रक्चर है वो है कितने तरीके से। अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो स्ट्रक्चर्स कैसे हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं मॉलिकुलर सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड मतलब उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये पहला क्राइटेरिया नंबर वन। लेकिन हम मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमें तीन चीज दिखी, देखो ये भी तो मॉलिक्यूलर ही सॉलिड है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड पोलर भी हो सकता है, वहां वाला देखो वो भी तो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ, नॉन पोलर भी हो सकता है, तीसरा देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी तो मॉलिक्यूल से बनकर बना हुआ है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है पोलर सॉलिड, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारी पहली कैटेगरी हो सकती है। दूसरी हमारी कैटेगरी है आयनिक सॉलिड, देख रहे हो दूसरा हमारे पास आयनिक सॉलिड, तीसरा देखो तीसरा जो है उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है वो हो सकते हैं कोवेलेंट सॉलिड, उसी में आता है लैंडन डिस्पर्शन फोर्स। ऐसे सॉलिड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है, चाहे वो मॉलिक्यूल से बन सकता है कोवेलेंट सॉलिड या बिना मॉलिक्यूल से बने एटम से भी बन सकता है। कार्बन की जो चेन होती है, डायमंड एक कोवेलेंट सॉलिड है, डायमंड में प्योर कार्बन होता है, कुछ भी नहीं है, केवल कार्बन की चेन है। देखो कार्बन की चार वैलेंसी होती है, कार्बन की फिर इस चौथे से फिर ये कार्बन यहां जुड़ेगा, फिर इसकी चार वैलेंसी, फिर ये कार्बन जुड़ते चले जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फिर इससे फिर ये कार्बन, इससे फिर ये कार्बन, इससे फिर ये कार्बन, फिर इससे चार कार्बन, इस तरह से जुड़ते चलेगा, ये बढ़ता चला जाएगा, ये नेटवर्क बनाया जा रहा है, क्या कहीं जा रहा है। इसीलिए कोवेलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, ये बना कोवेलेंट सॉलिड, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं, सिंपल है, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, इन्हीं का नाम होता है कोवेलेंट सॉलिड, या अगर ये नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं तो इनको बोल देते हैं नेटवर्क सॉलिड। और नेटवर्क बनाने से बहुत बड़ा बना रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर बड़ा बन रहा है, इसलिए डायमंड इतना बड़ा दिखता है, वो जाइंट सॉलिड है, इन सब के मॉलिक्यूल्स को तो हम देख ही नहीं सकते,
बहुत छोटे होते हैं ना, इसको थोड़ा नजर आते हैं, जाइंट बनाते हैं, इसीलिए बुक में की लिख रही है जाइंट सॉलिड बनाते हैं और नेटवर्क सॉलिड बनाते हैं, कोवेलेंट सॉलिड जितने भी हमारे। सेकंड हमारा ये केस है, थर्ड हमारा टाइप का सॉलिड है वो है कोवेलेंट सॉलिड, हमारा थर्ड सॉलिड है कोवेलेंट सॉलिड। अब अगर ध्यान से देखो इस कोवेलेंट में कभी कभी पूरे के पूरे मॉलिक्यूल भी रिपीट करते हैं, या कभी कभी एटम, देखो ये एटम रिपीट कर रहा है, एक एक एटम कार्बन का एटम रिपीट कर रहा है। मान लो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले, शुगर देखो, शुगर के क्रिस्टल बनते हैं, लेकिन अगर नेचुरली देखा जाए तो शुगर का क्रिस्टल बनता नहीं, उसको हम लोग उसे क्रिस्टल को बनाते हैं, शुगर का क्रिस्टल तो बनता नहीं है, हम लोग उसे क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से बनाते हैं। तो मेन कोवेलेंट सॉलिड एटम्स के ही बीच में पाया जाता है, चाहो तो मॉलिक्यूल्स भी बता सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो ऐसे मॉलिक्यूल जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अधिकतर ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने मॉलिक्यूल से सब कोवेलेंट होते हैं, वहां से भी इसको बता सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान, कुछ सॉलिड हमारे आसपास दिखते हैं, जैसे ये देखो प्लास्टिक है ना, फाइबर है, पॉलीमर्स है, सब कोवेलेंट की तरह बने हुए हैं, मिल मिलकर अलग अलग उसके मोनोमर्स है। एक अलग तरीके का सॉलिड और दिखता है हमारे आसपास जिसे हम मेटल बोलते हैं, मेटल आयरन की शीट हो गई, इसे बोलते हैं मेटैलिक सॉलिड। मेटैलिक सॉलिड में देखो होता क्या है, मेटैलिक सॉलिड है तो उसके सारी तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं उनको कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में कर्नल, क्या बोलते हैं कर्नल, इस पॉजिटिव चार्जों को हम लोग कर्नल बोलते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इनके इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन नहीं, जो उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बात करते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसी तरह डिस्पर्स होंगे चारों तरफ, फ्री इलेक्ट्रॉन इसी तरह डिस्पर्स होंगे। तो इनका जो ये मॉडल बनता है सॉलिड के स्ट्रक्चर का, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इस मॉडल का नाम होता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल या कर्नल, कर्नल मॉडल बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज को कर्नल बोलते हैं, उसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज सराउंड होते हैं और ये नेगेटिव चार्ज मूव करते रहते हैं, फ्री है ना तो मूव करेंगे, मूव उसी तरह करेंगे जैसे समुद्र का पानी ऐसे मूव करता रहता है, इसीलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन का सी बन गया। दिस स्ट्रक्चर इज एज सिमिलर एज द वाटर इन द सी मूव, इसीलिए इसका नाम लिखा गया कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो पानी की तरह मूव करते हैं समुद्र में, इसीलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ये कर्नल है और ये एग्जांपल है मेटैलिक सॉलिड का, जिसमें प्योर मेटल्स आते हैं, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे के सारे इसमें एक ही तरह के एटम्स रहेंगे, इसके जो एटम्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो एक ही तरह का पा होगा, सॉलिड का जो अंदर का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स रहेंगे, उनके बाहर इलेक्ट्रॉन सी जो है वो फ्रीली फ्लोट करते रहेंगे, फ्लोट करते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं, जैसे वाटर फ्लोट करता है समुद्र में, इसी तरह से बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो हमारी तीसरी कैटेगरी वो थी, चौथी कैटेगरी हमारे पास है मेटैलिक सॉलिड, ठीक है। तो अगर हम मॉलिकुलर इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पर देखें तो हमें ये तीन तरह के सॉलिड दिखते हैं जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया गया है, ठीक। अब इनमें देखो करना क्या है, अब अगर इनके बीच के इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, ये हार्ड होंगे, इसको हैमर से बीट करोगे टूट जाएंगे, ब्रिटल होंगे, इस तरीके से हमें इनको क्लासिफाई करना है। एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल तो कई सारे हमने लिख दिए हैं सबके कुछ ना कुछ, इसकी अब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देखना है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करता है या नहीं, इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसी है, ब्रिटल है, हार्ड है या सॉफ्ट है, कैसा अपीयरेंस है। सबसे बेसिक जो हमको क्वेश्चन में पूछेगा एग्जाम में, वो यही पूछेगा कि हम कोई सॉलिड का तुम्हें एग्जाम्पल दे देगा, सिल्वर का सॉलिड बोल देगा, बोलेगा कि कौन से टाइप की बॉन्डिंग हो रही है, इसके अंदर मेटैलिक बॉन्डिंग हो रही है, H2O बना के देगा H2O सॉलिड, इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताइए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। कोई नॉन पोलर गैस बना के दे देगा तो वैन डर वाल फोर्स, नॉन पोलर है तो डाइपोल इंड्यूस इंटरेक्शन, पोलर है तो जैसे HCl का एग्जांपल दे देगा तो इसको लिखेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। आयनिक सॉलिड अगर दे देगा तो जैसे वो तो पता चल जाएगा, सॉल्ट का कॉम्बिनेशन देगा तो आयनिक सॉलिड है, इस तरह से कुछ नेटवर्क की बात करेगा तो नेटवर्क सॉलिड है। क्वार्ट्स होता है ना, सिलिका ऑक्साइड को क्वार्ट्स बोलते हैं, क्वार्ट्स
SiO2, इसी का नाम होता है क्वार्ट्ज। इसके भी नेटवर्क बोलते हैं, सिलिकॉन का नेटवर्क बनता है। ग्लास वगैरह सब सिलिका के कॉम्बिनेशन है, कैल्शियम सिलिकेट के ग्लास बनते हैं, विंडो ग्लास कहते हैं उसमें। इस तरह के पॉलीमर की चेन होती है, नेटवर्क होती है पूरी की पूरी। तो ये नेटवर्क सॉलिड होते हैं, जॉइंट सॉलिड होते हैं। शीशे में क्या है, तोड़ो तुरंत टूट जाए, ज्यादा हार्ड नहीं होता। तो ये सब, ये सारी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें डील करना है। तो अगर हम चाहें तो हम एक चार्ट बना सकते हैं, चाहें तो एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट में इन सबको बार बार में डील कर लेंगे। या एनसीईआरटी बुक में जो चार्ट बना हुआ है, टेबल कौन सा टेबल है, 1.2। तो जो टेबल 1.2 है, जिसमें जितना डाटा लिखा हुआ है उसे एक जगह पूरा नोट कर लेंगे। ठीक है, तो सॉलिड हमारे पास इतने ही तरीके के मिलते हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो।